डूंगरपुर जिले की कुआ थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के दो अलग अलग स्थानों पर नाकेबंदी के दौरान शराब से भरी दो कार को जब्त किया है। पुलिस ने दोनों कार से शराब के 77 कार्टन शराब बरामद करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। डूंगरपुर जिले के कुआ थाने के थानाधिकारी गोपाल नाथ ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक कुंदन कुवरिया, एसपी निरंजन सिंह चारण एवं पुलिस उप अधीक्षक रामेश्वर लाल चौहान के निर्देशन में अवैध शराब परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शनिवार को हेड कांस्टेबल राजाराम, कांस्टेबल इंद्रजीत सिंह और राजेंद्र कुमार ने गुलाबपुरा में नाकेबंदी कर रखी थी। इस दौरान एक I-20 कार को रोककर तलाशी ली गई तो कार में शराब के कार्टन भरे हुए थे, जिस पुलिस की टीम ने कार को जब्त करते हुए कार से 41 कार्टन शराब के बरामद किए। वहीं आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज करते हुए झवर निवासी हीराराम पुत्र नेनाराम जाट और सलूमबर निवासी कमलेश पुत्र भीमराज दामोर को गिरफ्तार किया। वहीं इसी तरह हेड कांस्टेबल गणेश लाल, कांस्टेबल रविंद्र सिंह और विनोद कुमार ने डूंगर में नाकेबंदी कर रखी थी। इस दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली गई तो कार में शराब के कार्टन भरे हुए थे। पुलिस की टीम ने कार से 36 कार्टन शराब के बरामद किए। वहीं आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज करते हुए कार चालक तस्कर गुजरात निवासी प्रतीक पुत्र मनु भाई को गिरफ्तार किया। इधर पुलिस सभी तस्करों से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय कुंदन जी कमरिया साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय निरंजन जी चारण और वृत्ताधिकारी सिमलवाड़ा श्री रामेश्वर लाल जी चौहान के निर्देशानुसार अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान जारी है, जिसमें आज दिनांक 17/6/2023 को पुलिस थाना कुआ से दो अलग अलग टीमें गठित की गई। एक पुलिस चौकी चिकली के हेड साहब राजाराम जी के नेतृत्व में और दूसरी डूंगरसरण हेड कांस्टेबल गणेश लाल जी के नेतृत्व में। दोनों टीमों द्वारा दोनों अलग अलग जगह नाकाबंदी करके दो कारों से लगभग 3 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब जब्त की गई है, जिसमें तीन अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है।